हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मीठी सेवियाँ। आज हम इसको जो है स्वीट दूध के साथ बनाने वाले हैं। स्वीट सेवियाँ बनाएंगे आज हम, तो चलिए जल्दी से हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये सेवियाँ ली हैं, ये सूजी की होती हैं, सूजी वाली, और हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसके लिए हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे इसके अंदर, और हम अपनी सेवियों को इसके अंदर डाल के थोड़ी देर के लिए इनको भुनेंगे। हमने इसको 2 से 3 मिनट तक भुनना है, जिससे ये जल्दी ही भुन जाएगी। और फिर आपने इसको धीमी आंच पे भुनना है, मीडियम फ्लेम पे, नहीं तो ये जल जाएगी। हमने इसको ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा सा रेडिश सा कलर आ जाएगा, बस उतना ही बहुत है। फिर हम इसको जो है दूध में बनाना स्टार्ट करेंगे। हम इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। तो देखिए, ये थोड़ा थोड़ा सा भुन गई हैं। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं हमारा दूध। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें 2 गिलास दूध का यूज़ किया है। आपने अगर ज़्यादा अमाउंट में बनानी है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें दूध डाल देते हैं, और दूध डालने के बाद हमने इसको जल्दी जल्दी चलाना है, क्योंकि एक उबाल आने के बाद फिर ये जो है जल्दी जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएगी। इसको बनने में 10 मिनट ही लगते हैं फ्रेंड्स। ये हमने थोड़ा इलायची जो है उसको थोड़ा सा क्रश कर लिया था, और हमने इसको क्रश करके इसके अंदर डाल दिया है। हम जो है इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं धीरे धीरे करके ऐड करते जाएंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा चला लेना है। फिर हम इसमें थोड़े से बादाम डाल देंगे, जो हमने काट लिए हैं, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है इनको। अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे, और जो फ्लेम है उसको मीडियम कर लेंगे, और फिर इसमें एक उबाल आने तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी, और आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले ट्राई कर पाएंगे अपने किचन में, और मुझे बताएंगे कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपने इस रेसिपी को कैसे बनाया। मेरे साथ इसको शेयर ज़रूर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो सेवैयाँ हैं वो बन के तैयार हो चुकी हैं। अब फेस्टिवल आ रहे हैं, तो हमें मीठी मीठी चीज़ें बनाना बहुत पसंद आता है फेस्टिवल्स में। तो ये हमने थोड़ा सा केसर डाल दिया इसमें, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, और इसके अंदर एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा। तो फ्रेंड्स, अब आ रहे हैं त्यौहार, तो हमें त्यौहारों में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने को मिलती हैं। जैसे ये है हमारी मीठी सेवइयाँ, बना सकते हैं आप इनको। इनको हम नमकीन सेवइयाँ भी बना सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो देखिए, ये उबाल आ गया है इसमें। हम फिर इसको थोड़ा सा चला लेंगे, जिससे ये बाहर नहीं निकलेगा फ्रेंड्स। आपको इसको लगातार चलाते रहना है इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बन के तैयार हो ही चुकी हैं। बस 2 ही मिनट लगेंगे, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट में हमारी ये तैयार हो जाती हैं। अब इसमें डाल देंगे हम चीनी, क्योंकि हमारा जो सेवैयाँ हैं वो बिल्कुल पक चुकी हैं। हमने लास्ट में चीनी डालनी है, क्योंकि चीनी डालने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी होने लग जाती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंस हो जाएगी। तो हमने अब गैस को बंद कर देना है चीनी डालने के बाद, और हमने इसको घोल लेना है। फिर उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको बहुत अच्छे से। ये देखिए, अब हम गैस को बंद कर देते हैं, और इसको अब हम सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब जो फेस्टिवल्स का सीज़न स्टार्ट हो गया है तीज के बाद, तो हम जो है नई नई डिशेस बना रहे हैं, स्वीट डिश बना रहे हैं, और वो और भी बहुत सारी डिशेस बना रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही टेस्टी टेस्टी स्वीट डिश है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको और बादाम के साथ गार्निश किया, और थोड़ा सा गुलाब जल लिया है। तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, और इसको यूज़ भी कर सकते हैं। आपको पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।